दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि किसी भी पेशेंट को अगर बार बार यूरिनेशन हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा हो, तो उसके बेसिक कारण क्या हो सकते हैं और उसके लिए होम्योपैथिक की कौन सी दवा किस सिम्टम पर अच्छा काम कर सकती है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा हो तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का कारण क्या होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। कुछ बेसिक कारण के बारे में बात करें, बार बार पेशाब होना, उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि पेशाब होने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई सूजन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को पेशाब लग रही है, जो कि ब्लैडर के साथ में जो नली लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, उसके किनारे किनारे प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर उसके किनारे किनारे लगा हुआ है, उसके अंदर कहीं सूजन आती है, तो क्या होगा कि वो सूजन की वजह से जब वो फूलेगा तो जो नली है यूरेथ्रा की उसको भी वो कंप्रेस करता है, दबाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, कभी भी कंप्लीट पेशाब पेशेंट को नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि एक बड़ी बार पेशेंट का पेशाब रुक जाता है और यह ज़्यादातर केस में होता है ओल्ड एज में, क्योंकि अवस्था जब ज़्यादा होती है तो प्रोस्टेटोमेगैली जिसको बोलते हैं, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों बार बार पेशाब होने का कि जब पेशेंट का ब्लैडर अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर अगर कहीं कहीं वीकनेस हो जाए, कोई भी नर्वस वीकनेस हो या जो उससे संबंधित नर्व्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है कहीं ना कहीं से बार बार पेशाब होने का। इसके अलावा ऐसी कंडीशन जब कोई डायबिटीज़ हो जाए, तो डायबिटीज़ की कंडीशन में जानते हैं कि बार बार पेशाब लगती है, पानी, चूँकि पेशेंट बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो बहुत ज़्यादा उसको पेशाब भी लगती है, तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी पेशाब की समस्या समाप्त हो जाए। उसके लिए जो सबसे बड़ा हम कर सकते हैं कि पहली बात तो चूँकि पानी पीना कम तो नहीं कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर सपोज़ अगर हमको डायबिटीज़ के कारण बार बार पेशाब लग रही है, तो वहाँ पर जो बेसिक दवा इसकी है वो है एसिड फॉस 3200 पोटेंशियम में रिपीटेशन डोज में अगर हम देते हैं। कंडीशन क्या होती है, पेशेंट को वीकनेस रहती है, पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है तो बार बार पानी पीता है ज़्यादा मात्रा में और बार बार पेशाब जाता है, साथ में डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, टेस्ट कराने पे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में हम देते हैं एसिड फॉस। दूसरी हमारी जो दवा है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंडीशंस को चेंज करके, ऐसी कंडीशन हो रही है जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे सेबल सर्वलेटा मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप लेते हैं 10-10 बूंद, 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो उसमें वो सही होगा, तो धीरे धीरे ये भी चीज़ सही होनी शुरू हो जाती है। कुछ सिम्टोमेटिक अगर हम बात करें तो अगर बार बार पेशाब आना अगर दिन के समय हो रहा है तो मर्क्सल यूज करते हैं, रात में हो रहा है तो एसिड फॉस, और दिन रात दोनों समय में हो रहा है तो वहाँ पे रस टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये सारी दवाएँ ऑलमोस्ट 30 या 200 में यूज़ की जाती हैं, ज़्यादातर 200 में यूज़ की जाती हैं, रिपीटेशन डोज में दे सकते हैं, तो इसमें फ़र्क पड़ता है। प्लस इसके जो बेसिक सिम्टम है उसका हमेशा ध्यान देना है। अगर आप मर्क्सॉल दे रहे हैं तो आप देखेंगे जीभ थूलती है, मोटी है, प्यास, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्यास बहुत लग रही है, जबकि सलाइवा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप मर्क्सॉल का इस्तेमाल करेंगे। रस्टॉक्स में आप ट्रायंगुलर टिप देखेंगे, साथ में पेशाब लगती है, तो दोस्तों ये कंडीशन है। इसके अलावा और कंडीशन होती है जबकि ब्लैडर में कहीं कहीं से अगर जो हमारा ब्लैडर है वो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं से वीकनेस अगर आई हुई है, तो वैसी कंडीशन के लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं जो नर्वस वीकनेस को दूर करती हैं, जिसमें कुछ दवाओं का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कैंथेरिस है, उसके साथ में बार बार यूरिनेशन लगता है लेकिन उसके साथ में पेशाब में जलन होती है, पेशाब के पहले, पेशाब के दौरान, पेशाब के बाद कभी भी हो सकती है, तो वहाँ पे कैंथेरिस 30 या 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर एक बहुत अच्छी दवा है दोस्तों फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, नक्स वोमिका, बार बार पेशाब जाना,
तो उसकी भी एक अच्छी दवा है नक्स ओमिका। और नक्स ओमिका की एक और ख़ास बात है कि पेशेंट को जब रोक नहीं सकता, मतलब पेशाब लगती है कि अब पेशाब हो जाएगी, ऐसे कभी कभी आप देखें ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि लगता है कि बस अगर तुरंत पेशाब लगी और पेशाब करने नहीं गए तो ऐसा लगता है कि कहीं पेशाब ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए नक्स ओमिका बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इसके अलावा इस सिम्टम पे लैकेसिस, सल्फर, ये भी अच्छी दवाएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक दवाएं हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में। और मैंने कुछ दवाएं ऐसी भी बताई जो कि आपको अगर होल्डिंग में दिक्कत आ रही हो, मतलब पेशाब को आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, लगता है कि पेशाब छूट ना जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए कैंथेरिस, लैकेसिस, नक्स ओमिका, ये दवाएं साथ में सल्फर, ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप अपने बहुत सारे दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।